पढ़ाई को अंग्रेजों ने इस तरह से बनाया, लॉर्ड मैकाले ने पढ़ाई को इस तरह से बनाया कि बच्चों को वो समझ में नहीं आए। इतने हैवी हैवी टर्म्स जोड़ दिए गए, शिक्षा का इस तरह से सिलेबस बनाया गया, टीचिंग के जो ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ टीचर्स को भी इसी तरह से ट्रेनिंग दिया गया कि जो बड़े लड़के हैं उन्हें समझ में नहीं आता है। अब जरा सोचिए कि इन बच्चों में कौन सा, अब ये लोग स्कूल भी नहीं गए, कोरोना वायरस की वजह से कह रही थी कि सर स्कूल में को इस मैकाले जो अंग्रेजों की जो शिक्षा के नाम पर हमारा जो मानसिक रूप से पतन किया गया उससे लड़ने की, और बहुत जल्दी हम लोग इस भारत माँ की तकदीर को बदलेंगे और हम आपने ये छोटे बच्चे ही बदलेंगे। और सारे गार्जियन को कहते हैं अपने बच्चों के लिए आप अगर भविष्य बनाना चाहते हैं तो उन पर भी ध्यान दीजिए, आपका बच्चा कर सकता है। ये उन अंग्रेजों की देन है जो इन्हें इस तरह से शिक्षा व्यवस्था ढाल के चले गए कि आपको लगता है कि नहीं आपका बच्चा ये मैट्रिक करने के बाद ऐसा करेगा, ऐसा नहीं है। पढ़ाई बहुत ही सिंपल है, एक मूवी से बेहतरीन होती है पढ़ाई का तरीका। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप हंसी मजाक करके क्यों पढ़ाते हैं, अरे भाई साहब हम अलग नहीं पढ़ाते हैं, एक्चुअली ये पढ़ाने का तरीका यही है। बाकी जो आपको लगता है वर्ड फेंकना चाहिए, ये वही चीज है जो लॉर्ड मैकाले चाहता था और भारत की शिक्षा नीति को चौपट कर दिया ताकि वो लोग बड़े बड़े इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, गूगल की खोज करें, फेसबुक, यूट्यूब ये सब बनाए और हम लोग इधर समोसा प्याज चटनी में लगे रह जाएं लोग। तो लेकिन ऐसा नहीं है, भारत भी अब बदल रहा है, ये बच्चे अब चुप बैठने वाले नहीं है। जो भी